हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होती है। आपको बहुत सारे क्लासेस में मैथ्स की कुछ एक्सरसाइज में इस तरह के सम हो सकते हैं जिसमें आपको फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना होता है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन भी होता है, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और वो कंसेप्ट भी क्लियर हो सकता है अगर आप वो वीडियो को देखेंगे। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है फ्रैक्शंस का। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ दो फ्रैक्शंस लिए हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन बताया है। मल्टीप्लिकेशन में आपको कुछ भी नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ऊपर के टर्म्स का सीधे मल्टीप्लाई, नीचे के टर्म्स का सीधे मल्टीप्लाई। मतलब 6 4 24 होता है, तो ये 24 आएगा, साइन हमारी माइनस की आएगी क्योंकि एक नंबर हमारा नेगेटिव है। दोनों होते तो हमारी साइन प्लस हो जाती। तो 6 4 24 और 8 3 24 दोनों क्या हो गए? 24 1 24 1 मतलब -1 जो है वो हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट में हमें दिया है, वही हमें करना है। भले डिनोमिनेटर आपका सेम है, आपको क्या करना है? सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है, नीचे नीचे और ऊपर ऊपर की। 3 3 9 होगा, वही 7 2 14 होगा, 14 by 9। और ज़्यादा इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, इसलिए 14 by 9 ही हमारा आंसर होगा। ये हुआ मल्टीप्लिकेशन की बात। अब डिविजन में हमें क्या करना है? कुछ भी अलग नहीं है डिवीजन में। हमें सिर्फ क्या करना है, जो हमारा सेकंड फ्रैक्शन होगा उसे रेसिप्रोकल कर देना है, उसका मतलब ऊपर नीचे कर देना है नंबर्स को एंड देन मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 3 by 5 तो हमारा एज इट इज आएगा और ये डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लगेगा, और ये जो 7 by 6 था ये उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब 6 by 7 हो जाएगा। एंड देन जैसे ही हमें वापस मल्टीप्लिकेशन की दो फ्रैक्शंस मिल जाएंगे, हमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 3 18 7 5 35 इस तरह से 18 by 35 हमारा आंसर होगा। अगर ये और सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर ये नहीं होता है तो यही आपका आंसर होगा। नेगेटिव साइन का भी देख लेते हैं। नेगेटिव साइन में भी हमारा पहला फ्रैक्शन तो एज इट इज रहेगा और मल्टीप्लाई हम इसे कर देंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल मतलब 8 by 3 क्या हो जाएगा? 3 by 8। और सीधे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 3 12 होता है, माइनस की साइन आएगी हमारे आंसर में क्योंकि एक ही नेगेटिव नंबर है। नीचे भी मल्टीप्लिकेशन होगा, 8 8 64। आप चाहें तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये जो हमारा नंबर है ये 4 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। अगर हम 4 से करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4 3 12, लेकिन साइन माइनस की हमारी आएगी। और यहाँ पर 64 अगर हम देखेंगे तो 4 10 40, उसके बाद भी 24 बचता है, तो 4 6 24 मतलब हम कह सकते हैं 16, क्योंकि 16 4 64 होता है, तो 16 जो है हमारा आंसर आएगा 4 से डिवाइड करने के बाद, मतलब -3 by 6 जो है हमारा डिवीजन का आंसर आएगा इन नंबर्स का जो हमें दिया है इन फ्रैक्शंस का। तो दोस्तों इस तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किए जाते हैं फ्रैक्शंस के। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।